हरपाल नामक भक्त हुए भगवान के। क्या नाम था? इधर देखो, यहां देखो, सब लोग सुनो। तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसी रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले, क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले, अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो। और ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाएं, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सब सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। ऐसी कथा में भी होता है, कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा करा, हम तो मना कर देते, मत कराओ भैया, आपको अपराध लगेगा। क्यों? वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही, वो सुनने आ गया, जगह नहीं मिली या फिर वो बैठ नहीं पाया, तो खाली रहे भले ही स्थान, पर फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कोई रहे ना कथा से, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते, लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुस्त से जो उनके पुस्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा, हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त, मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहां से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो, किसी का नहीं दे पाए। तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च,
ताकि भंडारा हो जाए सवेरे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी, एक घर की हुई, दो घर, अब तो हल्ला होने लगा। बोले कि घरों की सामान राशन चोरी हो जाता है, बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज, अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो, तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहां उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहां जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते, करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले, देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवा रहा है। ठाकुर जी बोले, इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए, और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर सिर पर पाग पहन करके, और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बैंत, बैंत समझते वृद्ध लोग लेकर के चलते, बैंत सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहाँ जा रहे हो? बोले, अपने एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले, नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले, जल्दी तैयार हो जा, सब लोग इधर देखो, वहां से कोई सामग्री आ रही है, कथा यहां हो रही है, इधर देखो, और फिर हम आंख बंद कर लेंगे, चाहे आप कहीं देखो, आंख खुली है तो हमको ही देखो। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे, कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए, और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे हैं, उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले, ये तो एक आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको दे, ओ हो, ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है, अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी, देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह, तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना इस गांव में एक रहता है, वो चोरी डकैती करता है, और फिर कहते संत सेवा करता है, ऐसी काय बात की चोरी, भैया करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो, नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं, भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए, वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा, अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता इसका मैं, पर ये तो इतना बिखर रहा है भगवान का नाम सुन के, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले, हाँ भैया एक रहता तो है डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है,
लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता। जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले, तो तुम हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले, मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पे धन नहीं है। आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी, बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था कर आओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए, बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना समय लगेगा। पत्नी से कहा, भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ, संत पूछेंगे मैं कहां है, तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा, आइए आइए, चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही हरपाल हूं, सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहां पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली, देखो कैसा नाटक कर रहे हैं, रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मारने, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले, भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूजे ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे और हरपाल कह रहा, सब निकालो, ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार उतार, बोले बैंत कहां लेके जा रहे, उसको भी धर दो। बोले, अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले, कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको, जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पर चिल्ला रहे थे मुझ पर, रखो इसको यहां पर। सारा धर दिया। बोले, बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला, ये कहां बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले, अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले, तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम एक हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है, चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले, तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी, बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रही है क्या हुआ, दूर हटे, बोले नाथ, लम साक्षात द्वारिकाधीश, साक्षात रुक्मणी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पटकने लगे, बोले नाथ, मैंने अपने नाथ को लूटा आज, मैंने अपने स्वामी 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 के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं,
मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगा, नहीं हरिपाल, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया। तुम तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था। मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानी होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में यह बताया गया, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले ही किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे उनके धन चुरा चुरा करके उनको पुण्य बांटा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हां, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक 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 रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट गए, बोले नाथ आप बड़े कृपालु बड़े दयालु। भगवान बोले अब हमने दर्शन दे दिए, अब हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया है, 10 साल का नहीं होगा इससे तो? बोले जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना ना पड़े, किसी से हड़पना ना पड़े। भगवान जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे, मैं उसको क्या बताऊंगा? मैं उससे जाके कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, और उसकी वजह से आप मुझे मिले हो, कृपा कर उसको दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए, और हरपाल जी अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी को घर पर आए और आकर के अपनी अरे सुनो देखो कौन आए हैं। जैसे बाहर आकर के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी, नन्ही से रुक्मणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोले अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। बोले बालक नहीं है ये, साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश हैं। तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और दोनों दंपति को दर्शन दे करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको। अब जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, पर जिनके नहीं हुए हैं संभल जाओ, सुधर जाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। और प्रार्थना करके केवल एक ही चीज मांगो, क्या? हम गृहस्थी हैं नाथ, यह गृहस्थाश्रम है, हम इसमें आ चुके हैं, अब कृपा करके हमारे जीवन में जो भी आए वो आपका भक्त आए। लेकिन आपके अथक प्रार्थना करने पर भी ठाकुर जी ने यदि नहीं दिया तो भी चिंतित मत होइएगा। मीराबाई को भी नहीं मिले अनुकूल, करमेतीबाई को भी नहीं मिले अनुकूल, सक्कूबाई को भी नहीं मिले अनुकूल पति, अरे नामदेव जी को भी नहीं मिली अनुकूल पत्नी, इसलिए अनुकूल मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, नहीं मिले तो उससे चिंतित मत होना। जो मोह जो प्रेम पत्नी के प्रति होना है आपका ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा अगर अनुकूल नहीं मिला तो। इसलिए दोनों स्थिति में सम रहना, प्रयास करो कि ठाकुर जी अनुकूल दें। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करके कहा कि मुझे एक अनुकूल पत्नी मिले नाथ, कृपा करो।
और कैसी पत्नी मिले जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करे, मुझसे ज्यादा आपका भजन करे, मुझसे ज्यादा आपको ध्याए। कर्दम ऋषि की बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोले ऋषि परसों स्वयं भू मनु तुम्हारे यहां आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, वही तुम्हारे लिए अनुकूल है, उससे तुम ब्याह कर लेना। कर्दम ऋषि बोले, मतलब क्या मुझे कहना पड़ेगा कि अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा दो, ये तो बड़ा अटपटा लगेगा। भगवान बोले, चिंता नहीं, हमने सब व्यवस्था कर दी, हमने नारद जी से जाकर के उनकी बेटी को आज्ञा दिलवा दी कि आपका ब्याह तो केवल नारद जी से, उनसे, कर्दम ऋषि से होगा। वो अपनी बेटी का ब्याह करने ही आपके यहां आएंगे, आप उनसे ब्याह करना, आपका जीवन मंगल में होगा। कर्दम ऋषि का देवहूति माता के साथ ब्याह हुआ, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया, 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। अच्छा, ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। जब कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा कि मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली मुझे कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, एक वरदान हम तुम्हारा पूरा करेंगे, एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे। भगवान बोले, देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारी कामना पूरी हो गई, अब एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे कि तुम्हारे यहां पुत्र बन के हम ही आएंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। क्योंकि भक्त पत्नी, भक्त पति, तो निश्चित है संतान हमारी, हम जैसी ही प्रकट होगी। 9 पुत्रियों के बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। और कपिल भगवान के प्रकट होते ही कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, जान गए भगवान आए हैं। भगवान कपिल का बाल्य रूप नहीं बताया भागवत में ज्यादा, धीरे धीरे वो बड़े हो गए।